नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट या फिर फ़ोन नंबर सेव्ड हैं उनको आप कैसे डेस्कटॉप या पीसी या फिर लैपटॉप में देख सकते हैं या उनके बैकअप भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा शायद जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं कि हर एंड्रॉयड फ़ोन एक गूगल अकाउंट से कनेक्टेड होता है और गूगल वो अकाउंट के ज़रिए हमारा जो कॉन्टैक्ट और दूसरी चीज़ें हैं वो सिंक करता है या सिंक्रोनाइजेशन में रखता है। तो हमारा सभी कॉन्टैक्ट गूगल के सर्वर में या जीमेल में होता है। तो आप फोन में से ये चेक देख सकते हैं लेकिन आप कंप्यूटर या लैपटॉप में से भी वो कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं। तो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल में जाइए, गूगल अकाउंट में जाइए और अपने ईमेल और पासवर्ड देके साइन इन कीजिए। मैंने साइन इन किया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा रहा हूँ। अब जब साइन इन आप कर लेंगे तो आपको फिर से गूगल के होम पेज पे जाना है, तो आपको ऐसा दिखाएगा। और इसमें ये जो आइकॉन है गूगल एप्स का, इसमें क्लिक करना है, यहाँ मोर पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको गूगल एप्स का ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ एड्रेस बार में जाके कॉन्टैक्ट, गूगल कॉन्टैक्ट ये सर्च करके भी जा सकते हैं और यहाँ टाइप करके भी जा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा जो मोबाइल नंबर में जो जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड है उसका सारा जो कॉन्टैक्ट है मेरे स्मार्टफोन में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट 350 है, फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्टेड यानी जिन लोगों को आप ज़्यादातर फ़ोन करते हैं ये यहाँ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, यहाँ अगर आपका कोई भी नंबर दो बार आपके फ़ोन बुक में होगा तो वो यहाँ दिखाई देगा, तो आप आसानी से एक नंबर को हटा सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि आप कैसे इसका सारा जो आपका कॉन्टैक्ट्स है ये देख तो सकते हैं, इसका बैकअप भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अगर फोन काम नहीं कर रहा हो या फिर आपके फोन में से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए हो, तब भी आप अपने जीमेल के जरिए डेस्कटॉप में से या कंप्यूटर से उन कॉन्टैक्ट को बैकअप लेके फिर से अपने फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मोर पे क्लिक करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये देखिए ये दिखा रहा है, दिस प्रीव्यू वर्जन ऑफ गूगल कॉन्टैक्ट डज नॉट सपोर्ट एक्सपोर्टिंग येट, तो गो टू ओल्ड वर्जन। हम लोग ओल्ड वर्जन पे जाएंगे और यहाँ वो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपको यहाँ सारे कॉन्टैक्ट्स को चूज करना है, ये जो बॉक्स है इस पे टिक करना है, तो सारे कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली चूज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो मोर का ऑप्शन है वहाँ जाकर ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें से आपको कोई भी एक जो सही आपके फ़ोन के लिए हो यहाँ पढ़ के आप वो ऑप्शन चूज करिए, फाइल फॉर्मेट चूज करिए। मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये गूगल फोन के लिए सही रहेगा। और एक्सपोर्ट, अब ये सेव फाइल का ऑप्शन दिखाएगा, ये आप सेव कर लीजिए, एक नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए सेव हो गया। तो ऐसे आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसको या फिर फोन नंबर से उसको एक्सपोर्ट करते यानी के बैकअप ले सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपका पहले से बैकअप लिया हुआ है। तो देखा आपने, ये काफ़ी आसान है। आप फोन अगर फोन में आपके कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने जीमेल के जरिए उसको फिर से आसानी से पा सकते हैं। अब अगर आप इन कॉन्टैक्ट को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो जो फाइल आपने बैकअप फाइल सेव की है अपने कंप्यूटर में उसे अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड में डाले और उस पर टच करें या उसको ओपन करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको गूगल ऑप्शन दिखाएगा कि इंपोर्ट फ्रॉम दिस बैकअप या इंपोर्ट फ्रॉम दिस फाइल। तो आप उस पर ओके कीजिए तो आपका ऑटोमेटिकली जो कॉन्टेक्स्ट आपने बैकअप के तौर पे लिया है वो आपके फ़ोन में इंपोर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट ये फाइल को अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड में डालें और उसको ओपन करें तो गूगल ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाएगा, वो आप ओके करते ही वो इंपोर्ट सारे कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।